मैं ऐसा परिवार से निशान चाहूँ। मतदान हम सभी को अवश्य करना चाहिए, क्योंकि एक वोट हमारे लिए बहुत ही अति आवश्यक है। एक वोट हमारे देश का चुनाव कर सकता है कि हमारे देश के लिए कौन आगे विकास करेगा। तो कृपया करके मतदान सभी को करना चाहिए। हम सभी के लिए मतदान एक आम अधिकार है। डबरा पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में आयोजित हुई खेल प्रतियोगिता में बच्चों ने लिया भाग, दिखाई अपनी प्रतिभा। डबरा के पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में विद्यालय प्राचार्य श्री महेश चंद्र गुप्ता के मार्गदर्शन में महाविद्यालय में खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें क्रिकेट, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, रस्साकसी, खो-खो, लूडो, कैरम, मेहंदी रचाओ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें सभी छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। डबरा से एसआरबी पर जितेंद्र सिंह यादव के साथ निशांत साहू की रिपोर्ट। अभी कुछ समय पहले हमने आपको दिखाए गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज के आउटडोर गेम्स, जिसमें आपने देखे क्रिकेट और बैडमिंटन। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में आयोजित इंडोर गेम्स, जिनमें आज आयोजन किया जा रहा था मेहंदी का, रस्साकशी का, चेस का और लूडो का। आप देख सकते हैं हमारे पीछे स्टूडेंट्स जो इस समय चेस खेल रहे हैं। ये जीतना है, इन्हें चेस में लीड कर रहे हैं हमारे टीचर। मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा कि आज जो आपकी डिग्री में ये बच्चे चेस खेल रहे हैं, सॉरी चेस और लूडो खेल रहे हैं, इन बच्चों से आप जो है किस तरीके का एक्सपेक्टेशन रखते हैं और इनकी आप क्या मैसेज रखता हूँ मैं कि कम से कम यहाँ अच्छा करें, अपना कॉलेज का नाम होगा, उसके बाद स्टेट लेवल पर इनको आगे बढ़ाएंगे खेलने के लिए। इसके साथ चाहेंगे हमारे कॉलेज के इन प्लेयर्स के साथ सबसे पहले मैं सवाल करना चाहूँगा, पहली लूडो प्लेयर टीम से इस टीम में जो है मुख्य रूप से प्लेयर्स हैं, उनके नेम हैं रेणु साहू, हेमा साहू, राखी योगी और मिशालनी। तो सबसे पहले रेणु साहू जी, मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा, प्रतियोगिता जो शुरू हुई है, जो क्रिकेट टूर्नामेंट्स आपके कॉलेज में चल रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? मुझे लूडो खेलना बहुत अच्छा लगता है जी। हाँ, बाकी योगी जी, आपका इस विषय में क्या कहना है? इतनी ज्यादा एक्साइटेड हो गई हैं कि उनके पास कहने के लिए शब्द ही नहीं बचे हैं। चलिए कोई बात नहीं, जुड़े रहिए एसआरबी बुलेटिन के साथ, जुड़े रहिए गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज के साथ। मैं रिपोर्टर जितेंद्र सिंह, हम इस समय डबरा के स्टेडियम से कवरेज कर रहे हैं, जहां पर डबरा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज सिमरिया ताल के सभी स्टूडेंट्स और टीचर्स मौजूद हैं। यहां पर जो है स्टूडेंट्स के लिए टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। कुछ दिन पहले स्टूडेंट्स ने ज्ञापन दिया था प्रिंसिपल को इस विषय में कि उन्होंने फर्स्ट ईयर से लेकर के फाइनल ईयर तक अभी तक कोई भी खेल नहीं खेले हैं। प्रिंसिपल ने उनके ज्ञापन पर तत्परता दिखाते हुए शीघ्रता के साथ उन्हें जो है टूर्नामेंट का आयोजन करवाया। इस समय हमारे साथ सारी फैकल्टीज जुड़ी हुई है। मैं सबसे पहले कॉलेज के उपप्राचार्य श्री विभूति सर से चर्चा करना चाहूंगा। सर, आज जो टूर्नामेंट अपने आयोजित हो रहा है, इसमें जो है आपने विद्यार्थियों के लिए और आप सभी फैकल्टीज जो बैठे हुए हो, आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहिए? इस प्रकार की प्रतियोगिताएं हमेशा आयोजित होनी चाहिए और खेलों से सदा भाईचारा बढ़ता है, छात्र एक दूसरे के निकट आते हैं, छात्रों का शिक्षकों से संपर्क होता है, शिक्षक और छात्रों में एक विशेष प्रकार का संबंध बनता है, एक दूसरे को समझते हैं और सौहार्दपूर्ण वातावरण का निर्माण होता है। तो ये जो खेल प्रतियोगिता है, ये इस प्रकार से सदैव आयोजित होती रहनी चाहिए, ये बहुत अच्छा प्रयास किया गया। जैसा कि अभी हमारे कॉलेज के उपप्राचार्य श्री विभूति सर जी ने हमें बताया कि खेलों के आयोजन सद्भावना की जो भावना होती है वो उत्पन्न होती है। इसके साथ ही मैं अगला सवाल करना चाहूंगा, हमारे जो इस समय एम्पायर जी बैठे हुए हैं, जिन्होंने सारी की सारी टीमों को आज लीड किया है और उनके निर्णय दिए हैं, आपसे जानना चाहते हैं कि छात्रों को गाइड करके और उनके रिजल्ट देकर के आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे आके छात्रों ने अच्छा प्रदर्शन किया, साथ में आगे भी ऐसा कॉलेज में प्रदर्शन करते रहेंगे और आगे कोई ना कोई टूर्नामेंट आगे भी आयोजित करेंगे। अभी जो इंटर कॉलेज टूर्नामेंट है, आगे हम सोच रहे हैं कि बाहर की टीमों को भी बुलाएं और अपने कॉलेज में एक टूर्नामेंट आयोजित करें। जस्ट श्री जितेंद्र सर, इन्होंने हमें बताया कि अभी जो है वो ओनली इंटरनल, सिर्फ कॉलेज के स्टूडेंट्स और फैकल्टीज मिलकर खेल रहे हैं। भविष्य में इस खेल को, इस आयोजन को एक विस्तृत रूप दे करके इसमें और भी टीमों को जोड़ा जाएगा और एक बड़ा टूर्नामेंट आयोजित किया जाएगा। बने रहिए एसआरवी के साथ, बने रहिए गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज डबरा के साथ। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज सिमरिया ताल से जो है आज स्टूडेंट्स के लिए टूर्नामेंट्स का आयोजन किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे के सारे टीचर्स और स्टूडेंट्स टूर्नामेंट का आनंद ले रहे हैं। सबसे पहले आज मॉर्निंग में पहले मैच में दो टीमें उतारी गई, जिनके कप्तान हमारे साथ हैं, एक मिस्टर दिलन राणा जी और दूसरे मिस्टर प्रशांत।
प्रशांत जी, आप सबसे पहले हमें ये बताएं, आज सुबह जब आप लोग आए तो सबसे पहले टॉस किसने जीता? टॉस मिस्टर प्रशांत की टीम ने जीता और उसके बाद आपने फील्डिंग चूज की, उसके बाद धीरेन्द्र राणा जी ने बॉलिंग की और सॉरी बैटिंग की और इन लोगों ने बॉलिंग। इसके दौरान सबसे पहले आपकी टीम ने जो है कितने रन बनाए टोटल? 94। मिस्टर धीरेन्द्र राणा की टीम ने टोटल 94 रन बना करके और आपकी टीम ने टोटल 95 रन। इसके साथ ही मिस्टर प्रशांत की टीम जो है आज का पहला मैच जीत चुकी है और बने रही है एसआरवी के साथ, बने रही है डबरा पॉलिटेक्निक कॉलेज के साथ। मैं जितेंद्र सिंह यादव, कैमरामैन निशान साहू। इस समय डबरा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज की मेघावी छात्राएं जो हैं वो मेहंदी प्रतियोगिता में भाग ले रही हैं और काफ़ी मोहक और आकर्षक जो है इनकी डिज़ाइंस देखने को मिली हैं। इन्होंने काफ़ी मेहनत की है और इनकी जो मेहंदी की कलाकृतियां हैं वाकई अद्वितीय हैं, अविकल्पनीय हैं और अद्भुत हैं। इसके साथ ही मैं कुछ जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके नाम ओपन करना चाहूँगा। सबसे पहले तो आपका नाम क्या है? शालिनी शर्मा। और आपका? खुशबू साहू। खुशबू साहू, आपने पार्टिसिपेट नहीं किया हुआ है। और इसके अलावा और भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके क्लिप्स कुछ ही सेकंड्स में आपको शो किए जाएंगे। इस समय टबरा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में बच्चों के लिए खेलकूद का आयोजन किया गया है, जिसमें काफी सारी प्रतियोगिताओं का जो है समावेश किया गया, जिसमें कॉलेज की सभी छात्राओं ने, विशेषकर कंप्यूटर साइंस की छात्राओं ने मेहंदी लगाओ प्रतियोगिता में अव्वल स्थान हासिल किया। आप देख सकते हैं एसआरवी के साथ हम इस समय डबरा पॉलिटेक्निक कॉलेज से रिपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर छात्राएं जो है हमारे सम्मुख बैठी हुई हैं और इन्होंने जो इनकी कृतियाँ हैं, जो इन्होंने मेहंदी लगाई है, इसमें डिजाइन किया और इसके साथ ही इन लोगों का जो भी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो भी फर्स्ट रहा सेकेंड रैंक आएगा, इनका रिजल्ट कल को किया जाएगा। तब तक के लिए बने रहिए एसआरवी के साथ, बने रहिए डबरा पॉलिटेक्निक कॉलेज के साथ। मैं रिपोर्टर जितेंद्र सिंह यादव, कैमरामैन निशान साहू। Thank you.